बिग बॉस के घर में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की लव स्टोरी हर दिन एक नया एंगल लेती है। वीकेंड के वार के बाद तो शहनाज गिल ने खुलकर बोल भी दिया है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से प्यार करती हैं। लेकिन क्या सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज से प्यार करते हैं? इस पर कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है। ट्विटर पर कई यूजर्स को लगता है कि शहनाज गिल जबरदस्ती सिद्धार्थ शुक्ला से चिपक रही हैं, उनके साथ प्यार का नाटक कर रही हैं। तो क्या सच में ये सिडनाज की ये लव स्टोरी एक तरफा है? क्या सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज से प्यार नहीं है? अब इस बात को समझने के लिए कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जब ये सीजन शुरू हुआ था। सीजन के पहले हफ्ते में शहनाज और पारस के बीच केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि पारस माहिरा को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। उस समय शहनाज पारस को लाइक करती थी और सिद्धार्थ को अच्छा दोस्त मानती थी। सिद्धार्थ शहनाज के बीच प्यार भरा पहला सीन तब देखने को मिला जब शहनाज सोते हुए सिद्धार्थ का हाथ दबा रही थी। इस सीन को देखकर तो पारस भी जल गए थे। इसके बाद आसिम, शहनाज, सिद्धार्थ और आरती की एक टीम बन गई। उस समय सिद्धार्थ को शहनाज से अटैचमेंट भी होने लगी थी, साथ ही गेम के लिहाज से भी वो शहनाज को दूसरी टीम में जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो शहनाज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। फिर शहनाज सिद्धार्थ के बेड पर शिफ्ट हो गई, धीरे धीरे बॉन्ड बढ़ने लगा। लेकिन शहनाज सिद्धार्थ के स्पेशल मोमेंट टीवी पर नहीं दिखाए जाते थे क्योंकि मेकर्स को वो शायद उस समय इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। लेकिन अनसीन अनदेखा तड़का में फैंस इनकी जोड़ी को काफी पसंद करने लगे। फिर घर में आई हिमांशी खुराना, जिससे शहनाज को प्रॉब्लम हुई। हिमांशी आसिम के साथ बॉन्ड बनाने लगी थी तो शहनाज को लगने लगा कि उनके दोस्त उनके साथ नहीं है और उन्होंने बेड चेंज कर लिया। इस बात से सिद्धार्थ को बहुत तकलीफ हुई थी और उन्होंने शहनाज को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन शहनाज सिद्धार्थ को मिस करने लगी और उन्हें समझ आ गया कि सिद्धार्थ ही उनका सच्चा दोस्त है। सिद्धार्थ शहनाज के मिलने से आसिम को प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि आसिम हिमांशी को चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ को भी शहनाज के लिए फीलिंग थी, इसलिए वो शहनाज को किसी के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके बाद तो जब जब सिद्धार्थ की किसी से लड़ाई हुई, शहनाज हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करने पहुंच गई। वक्त के साथ शहनाज और सिद्धार्थ की ये फीलिंग्स बढ़ने लगी, वरना आप ही सोचिए क्या कोई गुस्से में घर के बाहर ठंड में सो सकता है? जब शहनाज विशाल या पारस के साथ क्लोज होती हैं, तो सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है। जब शहनाज रोती हैं, तो सिद्धार्थ भी अपसेट होते हैं। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि शहनाज अपनी फीलिंग्स को अब खुलकर कहने लगी हैं, क्योंकि वो डिसाइड कर चुकी हैं कि उनके लिए ट्रॉफी से ज्यादा जरूरी उनका प्यार है। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज को चाहते हैं, लेकिन वो नेशनल टेलीविजन पर इन बातों को खोलना नहीं चाहते हैं। जब वीकेंड के वार में शहनाज रो रही थी तो सिद्धार्थ बार बार पलट कर शहनाज को देख रहे थे, तो यकीनन प्यार तो दोनों तरफ से है। वहीं अगर सिद्धार्थ सिर्फ शहनाज के दोस्त भी हैं, तो तब भी शहनाज को वन साइड लवर या साइको लवर का टैग देना गलत होगा। तो ये थी बिग बॉस 13 की लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मैं जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें।